नंबर 5 बियर। रूस के रहने वाले स्वेतलाना और येम्पेजल एनको एक भालू को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। इस भालू का नाम उन्होंने रखा है स्टीफन, जो कि 3 साल की उम्र से उनके बीच पला बड़ा है। फिलहाल स्टीफन 23 साल का है और इसका वजन तकरीबन 135 किलो है। अब आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जानवर की देखरेख इस परिवार के लिए कितना मुश्किल टास्क है। वैसे मुश्किल सही, लेकिन नामुमकिन नहीं। स्टीफन इस फैमिली के साथ घर में रहता है, इनके साथ खेलता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नंबर 4 स्नेक्स। दोस्तों, ज्यादातर लोग सांपों से दूर भागते हैं, लेकिन यकीन मानिए, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनको एक पालतू जानवर की तरह पालते हैं। वे इनके साथ खेलते हैं, इनके साथ घूमते हैं और इनको चूमते भी हैं। इनके पालने वालों की माने तो ये भी दूसरे पालतू जानवरों की तरह है अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं। ये जानवर खूबसूरत भी है और रहस्यमय भी। साथ ही इनको पालने का एक फायदा ये भी है कि कुछ सांपों की उम्र 30 साल तक की होती है, यानी कि ये जीव अपने मालिक के साथ काफी लंबा समय बिता सकता है। नंबर 3 फेनेक फॉक्स। अगर आपको फैमिली कुत्ते पालना अलाउ नहीं करती तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन फेनेक फॉक्स हो सकती है। लोमड़ी की ये प्रजाति आकार में छोटी होती है और उनको ट्रेन करना भी आसान होता है, लेकिन छोटे होते हुए भी यहाँ याद रखना जरूरी है कि ये एक शिकारी जानवर है जिसके नुकीले दांत और तेज पंजे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सभी जंगली जानवरों की तरह ये जानवर भी रात के समय कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है और ऐसे में ये आपकी शांति भरी लाइफ में भूचाल ला सकता है। खासकर क्यूट जानवरों के साथ खेलने के शौकीन लोग इनको पालते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी कूट कूट कर भरी है और ये हर दम खेलने कूदने को तैयार रहता है। नंबर 2 बफेलो। क्या आपने कभी किसी भैंसे को किचन में खड़ा देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के एक परिवार में ये भैंसा इंसानों के साथ चार दीवारी में पला बढ़ा है। सभी पालतू जानवरों की तरह इसका नाम पुकारने पर ये भैंसा भी अपने मालिक के पास दौड़ा चलाता है। शायद ये दुनिया का एकमात्र ऐसा भैंसा है जिसको इंसानों के साथ टीवी देखने, खाना खाने और कार की सवारी करने का सौभाग्य प्राप्त है। इसके मालिक ने अपनी कार को इस भैंसे की सहूलियत के हिसाब से मॉडिफाई भी करवा रखा है ताकि भैंसे जी को कोई तकलीफ ना हो। भाई वाह, अगले जन्म मोहे भैंसा ही कीजो। नंबर 1 रेंडियर। फिनलैंड में हिरणों की इस प्रजाति की संख्या 2 लाख के आसपास है, जिनमें से सभी हिरण जंगलों में रहते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, जो कि फिनलैंड के एक शहर रोवेनियमी में रहता है, वो भी इंसानों के साथ एक घर के अंदर। दरअसल ये हिरण जब बच्चा था तो अधमरी हालत में एक लड़की को जंगल में मिला, जिसकी उस लड़की ने देखभाल की और ये हिरण उसका फैमिली मेंबर बन गया। ये हिरण दूसरे हिरणों के साथ झुंड में घूमने की बजाय इंसानों के साथ घूमना और खाना खाना पसंद करता है। तो ये थे कुछ अनोखे